आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। जबलपुर के पास ही स्थित रेगवा ग्राम में श्री सिद्ध महाकाली मंदिर में विराजित माता महाकाली की प्रतिमा आसपास के साथ श्रद्धालुओं के लिए बड़े ही जन आकर्षण का केंद्र रहे। साथ ही यहां पर विराजित माता के प्रति लोगों की अपार श्रद्धा है। मंदिर के पुजारी ने जानकारी देते हुए बताया कि जब से इस मंदिर की स्थापना हुई है तब से महाकाली के इस दरबार में 9 दिन तक विभिन्न प्रकार के धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। साथ ही पुजारी जी ने बताया कि इस मंदिर में जो भी भक्त जिस प्रकार की मनोकामना लेकर आता है वो पूरी होती है। जबलपुर से प्रदीप ठाकुर की रिपोर्ट। मंदिर रेगवा स्थित सुधा सागर विहार कॉलोनी में है, सिद्ध महाकाली पीठ के नाम से। और मंदिर की विशेषता ये है कि सन 2021 22 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक में इसकी प्रतिष्ठा हुई है। जब से प्रतिष्ठा हुई है अनवरत श्रद्धालु आ रहे हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और वो आके फिर प्रसादी वगैरह अर्पण करते हैं। अभी वर्तमान में नवरात्रि में 9 दिन का माता का अनुष्ठान चल रहा है, जिसमें अखंड ज्योत जवारी सप्तशती पाठ आदि किया जाता है, जो सभी भक्तजन करवाते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है और भगवती सबका कल्याण करती है। क्या क्या कार्यक्रम होते हैं विशेष रूप से इधर? अब जैसे सप्तमी होगी, खप्पड़ आरती होगी, माँ जो कालरात्रि होती है उसकी खप्पड़ आरती होती है। अष्टमी के दिन क्या होता है, हम लोग भगवती महागौरी के नाम से रक्षा सूत्र देते हैं काले कलर, तो वो प्रत्येक भक्त साल भर उसको धारण करते हैं तो उनको रक्षा प्राप्त होती है। और नवमी जो होती है सिद्धदात्री की होती है जी, तो उसमें सरस्वती का आवाहन करके पेन कलम दी जाती है जी। और इसी बीच इसी श्रृंखला में अष्टमी और सप्तमी के मध्य जी धन वर्षा का एक योग होता है जी, उसमें धन वर्षा की जाती है, सभी भक्तों को भगवती के द्वारा प्रदत्त धन दिया जाता है जो वो अपने कोष में रखते हैं, इससे वृद्धि। आपका सुनना पंडित पंडित सुधीर दुबे शास्त्री। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।